नमस्कार, मैं हूँ महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बौली वावनबाज से श्रद्धा ओम त्रिवेदी की रिपोर्ट। विधायक व कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकार से की गई मारपीट से पत्रकारों में आक्रोश है। क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से सेवाएं दे रहे एक मीडियाकर्मी मोहित बिंदल के साथ कुछ असामाजिक तत्वों से मिलकर की गई मारपीट से पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। इस समस्या को लेकर पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार श्रद्धा ओम त्रिवेदी के नेतृत्व में बौली थाने पहुंचकर पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर आक्रोश व्यक्त करते हुए रिपोर्ट सौंपी। कार्यवाही थाना प्रभारी पूरण सिंह ने रिपोर्ट लेकर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया एवं मेडिकल के लिए मीडिया कर्मी के साथ पुलिस कर्मी को भेजने को कहा। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि ऊपर लेवल से ही यह रिपोर्ट दर्ज हो पाएगी। वामनवास क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा के अनेक बड़े बड़े परिवारों के सांसद, एमएलए, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन इस प्रकार पत्रकार के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट करना विधायक द्वारा यह पहली बार की घटना है और इससे पत्रकार संगठन ही नहीं सभी बुद्धिजीवियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित मीडियाकर्मी ने बताया कि वह कवरेज का वीडियो बना रहा था, इतने में ही किसी ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इसको लेकर विधायक इंदिरा मीना नाराज हो गई एवं गालियां देते हुए पत्रकार व नारे लगाने वाले को पुलिस गाड़ी में बिठा दिया। आगे ले जाके विधायक ने पुलिस को फोन कर दिया। गाड़ी पीपलदा के पास रुक गई, जहां रुकते ही विधायक ने पुलिस की बंदूक की बट से मीडिया कर्मी के साथ मारपीट की। इसी को देखकर खुद सी आई किशन मीना ने ऐसा नहीं करने का उनसे बार बार निवेदन किया, फिर भी विधायक गालियां देती रही। एक पुलिस कर्मी द्वारा कहने पर विधायक ने उसको गाली भी दी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित बिंदल नाम है सर, मित्रपुरा के रहने वाला हूँ और बोरदा डेडलाइन से दैनिक भास्कर में पत्रकारिता करता हूँ। अच्छा, क्या वारदात हुई आपके साथ? जी सर, कल शनिवार को स्थानीय विधायक इंदिरा मीणा का क्षेत्रीय दौरा था, जिसमें कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी थे, उसकी मैं कवरेज कर रहा था। उस दौरान शाम करीब 6:30 बजे घाटा नैनवाड़ी में विधायक के कुछ तथाकथित गुंडों ने मेरे साथ मारपीट की और अभद्रता की, जिससे मेरा मोबाइल भी छीन लिया, जिसके बाद मुझे धकेल करके थाने की गाड़ी में बैठा दिया गया। उसके बाद मुझे पीपलदा के पास पूरा गुलाब सिंह नामक गांव के पास रोका गया गाड़ी को, जिसके बाद विधायक इंदिरा मीणा गाड़ी से उतरी और मेरे साथ थाने की राइफल लेकर के मारपीट की। उसके बाद डंडे से मारपीट की और फिर मुझे बोली सीएचसी ले आया गया, जिसके बाद मुझे 3 घंटे तक कस्टडी में रखा गया। और जब जिस व्यक्ति के साथ और दूसरे के साथ मारपीट हुई थी उसको होश आने तक मुझे कस्टडी में रखा गया। उसके होश आने के बाद मुझे कस्टडी से छोड़ा गया। इस मामले को लेकर जिसकी आप सेवा दे रहे हैं उनको भी अवगत कराया है आपने? बिल्कुल सर, कल रात को ही अवगत करा दिया था। इसके अलावा हमने एडिशनल साहब, एसपी साहब और डिप्टी साहब को भी अवगत करा दिया था। आपने आपके अखबार वालों को भी बताया? बिल्कुल सर, बता दिया सर। उन्होंने आपका सहयोग करने के लिए कहा? सहयोग करने का आश्वासन दिया है सर, बिल्कुल। अच्छा, और आप इस मामले में आपने कोई विधायक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई? जी सर, आज थाने में मैंने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें निष्पक्ष जांच करने की मांग की है सर। उसमें पुलिस ने क्या एमएलआर के आदेश दिए हैं? पुलिस ने सर ये कहा है कि हम उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे और जो कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष करेंगे। उसमें एमएलआर बनवा लिया आपने? नहीं सर, अभी तक नहीं बनवाया। क्या कारण रहा? सर, पुलिस वालों ने बोला कि जब जरूरत होगी तो हम बता देंगे आपको और हम बुलवा लेंगे मित्रपुरा से। आप जिस अखबार से जुड़े हुए हैं उसके ब्यूरो चीफ वगैरह को बताया? बिल्कुल सर, बता दिया सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल आश्वासन दिया है उन्होंने, निष्पक्ष जांच की और निष्पक्ष खबरें।